एक तरफ जो व्यक्ति शहर का प्रथम नागरिक रहा है उसको इस प्रकार से कहा है कि वो अधिकारियों को शाम दाम दंड भेद बाय होकर क्रूप को दबाते हैं, वो अनग। जैसा कि आपको पता है कि अजमेर के पूर्व सभापति नगर परिषद के माननीय सुरेंद्र सिंह जी शेखावत ने आनासागर बचाओ संरक्षण मतलब आनासागरों को बचाने के लिए एक NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक परिवाद दायर किया था, जिसके अंदर ये कहा कि जो इसका जो कैचमेंट एरिया उसके अंदर जो नगर निगम ने बिना सोचे समझे कुछ जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके बारे में और उसकी सुंदरता को बचाने के लिए एक वाद दायर किया था। उस वाद के दौरान वाद के अंदर रिप्लाई करने के नाम पर जो CO मतलब पक्षकार नंबर 5 और 6 CO स्मार्ट सिटी जो कि अजमेर के कलेक्टर हैं और कमिश्नर नगर निगम जो कि अजमेर के नगर निगम है, उन्होंने एक हलफनामा दायर किया और उसके अंदर प्रथम दो जो पैरा हैं उसके अंदर उन्होंने उनके लिए अनर्गल बातें करी है। वो मतलब एक तरफ जो व्यक्ति शहर का प्रथम नागरिक रहा है उसको इस प्रकार से कहा है कि वो अधिकारियों को शाम दाम दंड भेद बाय होकर क्रूप को दबाते हैं, वो अनर्गल बातें करते हैं, वो एक ऐसी मतलब उनके लिए कहा गया ही इज़ लाइक अ बिजी बी, अंग्रेजी में बिजी बी उन्होंने शब्द यूज़ किया है। बिजी बी का मतलब होता है कि मक्खी जैसे उड़ती रहती है और जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाती है, तो ही मतलब ही इज़ बीन कंसिडर एज अ बिजी बी ऑफ शहर कि उनको तो कोई दूसरा कोई काम ही नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ उठ के बैठ गए। तो इस प्रकार की जो है ये हलफनामा उनके चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा दिया गया था। हमारा ये कहना है कि हलफनामा किसी ने दिया हो, वकील ने लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमारा सिर्फ हमारे से पार्षद भाइयों का ये कहना है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। अब बड़े अधिकारी को तनख्वाह बड़ी इसलिए दी जाती है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी है और उन्हीं के नाम पर ये किया गया है, तो चाहे वो कलेक्टर साहब हो चाहे कमिश्नर साहब हो, उनको इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि हाँ मैंने नहीं किया लेकिन मेरे मुलाजिमों द्वारा या मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि क्योंकि जब भी जवाब जाता है मैं उनके बिहाफ पे जवाब गया है तो इन्हें उनकी मॉरल ट्रिब्यूट था, उनकी मतलब सर्विस बुक में लिखा है कि जो जवाब हाईकोर्ट में आप पेश कर रहे हो वो आपको पढ़ना चाहिए था। अब आपने बिना पढ़े अगर आपने जवाब दे दिया तो आप तो अकाउंटेबल ही नहीं हो अपनी जॉब के लिए। तो इसलिए हमारा ये कहना है आज DC साहब से मिले कि अधिकारी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको वहन करें, और ये जिम्मेदारी वहन करने का कार्यक्रम है, ये नहीं है कि मैंने तो नहीं दिया तो मैं नहीं बोलूँगा। अरे दिया किसी ने भी हो, आपके बिहाफ पे गया है, CO स्मार्ट सिटी पक्षकार है उसमें और कमिश्नर पक्षकार है, तो जो पक्षकार है वो जवाब देगा और वहाँ पे नाम दिया गया। और ये तो अभी तो वो इनके ऊपर एक कंटेम्प्ट और जा सकती है। अभी OIC इज़ नॉट ऑथराइज टू गिव अ रिप्लाई। OIC जो होता है फाइल का, वो सिर्फ उसको टेक केयर करता है, जवाब तो वही देगा जिसको पक्षकार बनाया गया है और पक्षकार कलेक्टर और कमिश्नर है। तो पहले तो उन्होंने जवाब ही गलत दिया है, क्यों OIC सिर्फ ऑफिसर इंचार्ज जो फाइल का होता है वो फाइल का परसुएशन करता है कि आज तारीख है, आज एविडेंस हुई है, वो जाके बताता है कि भाई आपको ये आना है, आपको आज यहाँ आज ये आपके नाम पे नोटिस इशू है, ये उसका काम है, उसका काम जवाब देना थोड़ी है। तो ये तो कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को देखना चाहिए कि जवाब ही आपने तो पहले तो हाईकोर्ट की अवेलना वहीं कर दी और वो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विच इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट। ज्ञापन दिया है कि आश्वासन दिया। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं हमारे अधिकारियों से और निरंतर ज्ञापन आ रहे हैं। आज कुछ राजपूत समाज के लोग भी आए थे, उन्होंने भी ज्ञापन दिया। कल सुरेंद्र सिंह शेखावत फैन क्लब ने ज्ञापन दिया, मेरे ख्याल से कल कोई जो व्यापारिक संघ है वो इनके समर्थन में उठ रहे हैं। तो जब तक ये इस बात का डेडलॉक खत्म नहीं होगा और जब तक कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, जब तक ये आंदोलन सतत ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी तो शांतिपूर्वक हो रहा है, इस पर सड़क पर भी उतरने की कोशिश हुई और सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी उतरने में कोई कोताही नहीं। नाम बताइए। देवेंद्र सिंह शेखावत, पार्षद नगर निगम।